गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम सीखेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस दशा में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने कैपिटल को किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। द फर्म ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 shows the following balance sheet as on 31st December 2018। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम नोट करते जाएंगे। तो ए बी सी दिए हैं, उनकी रेशो दी है 5:3:2 और उनकी बैलेंस शीट दी है 31st December 2014 को। तो बैलेंस शीट्स के लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। सबसे पहले दिया ट्रेड क्रेडिटर 60,000, बिल्स पेएबल 75,000, ए का लोन दिया है 10,000, कैपिटल ए की है 2,40,000, बी की है 1,75,000, सी की है 1,25,000 और इस तरह टोटल दिया है लायबिलिटी साइड का 6,85,000 रुपीज का। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले आपको दिया है गुडविल, तो गुडविल है 1,00,000 रुपीज की और इसके साथ साथ आपको फर्नीचर दिया है 15,000, स्टॉक दिया है 1,67,000, डेटर्स 3,00,000 के हैं, उसमें से लेस किया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है आपके 6,000 रुपीज के। इस तरह नेट है वो है 2,94,000 रुपीज का है। इन्वेस्टमेंट्स 50,000 रुपीज, कैश एट बैंक जो है 59,000 रुपीज का है। इस तरह एसएसआर का टोटल है वो भी कितना है 6,85,000 रुपीज का है। आगे बोला है मिस्टर ए रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ए रिटायर हो रहा है तो ए को हम सर्कल लगा देते हैं, ये रिटायर हो रहा है। अब क्या क्या टर्म है? फर्स्ट पॉइंट, हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद रुपीज 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके कैपिटल में 50,000 रुपया जमा हो जाएगा क्रेडिट गुडविल का। तो इसका मतलब जो गुडविल है वो 50,000 रुपीज की है और ये हमारे को पहले से कैलकुलेट करके दे दिया, हमारे को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बी पॉइंट, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सी पॉइंट, द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 3%। डी पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 4%। और ई पॉइंट है, मिस्टर एस कैपिटल एंड लोन अकाउंट्स वर पेड ऑफ ऑन 1st January 2019। अब यहाँ बोला है कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए को कैश में पेमेंट हो जाएगी और कैश में क्या क्या पेमेंट होगी, एक जो कैपिटल बनेगी वो भी, और ए से लोन भी लिया था फर्म ने तो वो भी वापिस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बोलता, पार्टनर्स ऑन द रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए एग्रीड। अब जो बी और सी थे वो किस बात के ऊपर सहमत हुए, अब ये उनकी आपस में जो है बातें वो बताई हुई है। तो फर्स्ट उनमें सहमति बनी कि टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बुक्स, जो ख्याति है एक उसको पुस्तकों से हटा देंगे। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बांटेंगे वो बराबर, तो प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटेंगे की बात है। और तीसरा जो है, टू इक्वलाइज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो भविष्य में जो कैपिटल होगी वो भी उनकी क्या होगी, बराबर होगी। नेसेसरी फंड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेसेसरी फंड्स टू बी बॉट बाय बी एंड सी टू पे ऑफ ए एंड देयर आफ्टर टू कीप अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹10,000। तो उन्होंने बोला हुआ है कि ए को भुगतान करने, तो ए को किस किस चीज का भुगतान हुआ, एक उसके लोन का, एक हुआ कैपिटल का, एक भुगतान करने तथा ₹10,000 का बैंक शेष जो है बनाने के लिए, और मतलब उन्होंने बैंक का बैलेंस भी बनाना है 10,000 रुपीज का बनाने के लिए जो है, बी तथा सी आवश्यक रोकड़ लेकर के आएंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो कैपिटल जो लगी हुई है जैसे जो है ए बी और सी की पहले, उसको वो एज इट इज क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। बस उन्होंने 10,000 रुपीज का बैंक बैलेंस बनाना है अपना और जो ए की जितनी भी पेमेंट्स होगी वो भी उन्होंने अपने फंड से करनी है, तो लाएंगे तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और कैपिटल भी क्या बोला है, बराबर। आपको बोला है, अब आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम मूल्यांकन लेते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। तो आपको पता है डेबिट साइड क्या होती है, लॉस की, क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम की। तो सबसे पहले हमारे को दिया है फर्नीचर एंड स्टॉक, उनकी वैल्यू हो रही है कम तो हमारे को हो रहा है नुकसान, तो साथ साथ में बैलेंस शीट बनाते भी चलते हैं। तो सबसे पहले दिया है फर्नीचर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फर्नीचर, और वैल्यू हमारे को दी है 15,000 रुपीज की और लेस हमने इसमें से डेप्रिशिएशन किया 10% दिया हुआ है, तो 15,000 का 10% कितना हो जाता है 1,500 रुपीज। तो यहाँ पर आ गया ये 13,500 रुपीज, ये आ गया फर्नीचर। और उसके बाद यह है स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू जो है वो दी है 1,67,000 रुपीज, इसमें 10% लगा है तो लेस हम करेंगे इसमें डेप्रिशिएशन 10%, तो हो गया 16,700 क्योंकि जीरो से जीरो कट हो जाएगी। और यहाँ पर आ गया 0, 0 और 3,
और 0,51,50,000। अब इनसे हमारे को नुकसान हो रहा है, तो जितना नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, तो हम यहाँ लिख देंगे पहले टू फर्नीचर, फर्नीचर से कितना नुकसान हुआ 1,500 रुपीज का, और दूसरा हमारे को दिया है स्टॉक, स्टॉक से कितना नुकसान हुआ, स्टॉक से हमारे को नुकसान हुआ 16,700 का, तो हमने लिख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था वह था जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 3%, तो जो हमारा प्रोविजन है उसको 3% तक ले जाना है, तो हमारे को जो बैलेंस शीट में दिए हैं डेटर्स तो कितने दिए हैं 3 लाख के, तो इसका जब हम कितना निकालेंगे 3% निकालेंगे तो 3×3=9, तो 9,000 रुपीज। अब हम सारे के सारे प्रोविजन बताएंगे, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 6,000 के तो हमने पिछले साल जैसे क्या कर दिए थे, बता दिए थे, इसका मतलब अब हमने इस साल कितने से बताने हैं 3,000 रुपीज से, क्योंकि 6 के हमने पिछली बार बता दिए हैं बैलेंस शीट में, अब 3,000 के बताएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले टू प्रोविजन, जितना हमारे को नुकसान हुआ 3,000 रुपीज का। इसके साथ साथ अब हम ऐसा करेंगे, यहां पर भी एडजस्ट कर देते हैं डेटर्स, तो डेटर्स हम यहां 3 लाख लेंगे, यहां नेट लेंगे जो हमारे को बैलेंस शीट में दिए हैं, और बैलेंस शीट में कितने दिए हैं 2,94,000 रुपीज, इसमें से हम लेस कर देंगे जितने हमने निकाले 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज को लेस करने के बाद कितने आगे 2,91,000 रुपीज हमारे होंगे डेटर्स। और नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 4%। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है, तो हमारे लिए फायदे की बात, तो हम यहां लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो हम यहां पर लिख देते हैं जो बैलेंस शीट में दी है इन्वेस्टमेंट 50,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कितना परसेंट, 4%, 4% बढ़ गई वैल्यू, तो 50,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज, यहाँ हो जाएगा 52,000 रुपीज, और यहाँ पर जो हमारे को बेनिफिट हुआ, बेनिफिट कितना हुआ 2,000 रुपीज का, हम यहाँ पर बना देंगे, तो ये 4 ही हमारे को दिए थे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना कंप्लीट कर देते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या हो रही है ज्यादा, इसका मतलब हमारे को लॉस हो गया 21,200 और 21,200 दोनों तरफ, और लॉस कितना हुआ हम बैलेंस निकालते हैं तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस, और वो किस किस को मिलेगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी, उनके किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो 21 में से 2 गया तो कितना आ गया 19,200 रुपीज, तो 19,200 को हम बांट लेते हैं अब यहाँ बराबर बराबर, तो 19,200, तो पहले का हिस्सा बन जाएगा 5/10, तो 0 से 0 कट हो गई, 5 से करते हैं हम 0, 5 थोड़े 10, 9, 5, 43, 44, 5 और 4, 9, तो 9,600 बन गया किसका, वो ए का, और यहाँ पर हम कर देते हैं 1920 और 1920, इसको मिलेगा इसका 3, इसको मिलेगा 2, 0, 3, 9, 6, 9, 3, 27 और 3 और 2, 5, तो 5760 ये मिल जाएगा दूसरे को, और तीसरे को 19, 38 और 20, 40, 3840 टोटल करेंगे तो 19,200, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के क्या हो गया तैयार। अब हम रहते हैं कैपिटल अकाउंट, तो पर्टिकुलर्स और नाम लिखेंगे पार्टनर्स के, तो ए बी सी ये डेबिट साइड है और पर्टिकुलर्स ए बी सी ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पर जो मिलेगा वो जमा, यहाँ पर जो उनसे लिया जाएगा इस तरफ, तो सबसे पहले इसमें हम बैलेंस लिखते हैं, आपको बताया मैंने, तो बैलेंस कहाँ से, बैलेंस शीट से, तो जो दिया हुआ है पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ए का दिया हुआ है 2,40,000 रुपीज, बी का हमारे को दिया है 1,75,000 रुपीज, सी का हमारे को दिया हुआ है 1,25,000 रुपीज, तो हमने बैलेंस क्या कर दिया, लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इस तरफ हमारे को लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट तो दिए हैं, प्रॉफिट होंगे तो उनको भी हमने क्या करना था, जो ये जो रेशो इसमें बांट देना था, रिजर्व तो नहीं थे तब भी बांट देना था क्योंकि नहीं है। अब हम देखेंगे एसेट साइड में गुडविल तो दी है, तो गुडविल दी हुई है, तो ये उनकी ओल्ड गुडविल है, इसको हम क्या कर देंगे राइट ऑफ, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको डेबिट साइड में बताना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे टू गुडविल, गुडविल अब राइट ऑफ करेंगे, तो ये जो गुडविल है 1 लाख की, ये 5:3:2 में क्या हो जाएगी डिवाइड, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ए को मिल जाएगा 50,000 रुपीज, बी को मिल जाएगा 30,000 रुपीज, क्योंकि जीरो से जीरो कट होगी, और फिर 10,000 को 5 से तो 50, 3 से तो 30, और 2 से करेंगे तो 20,000 रुपीज गुडविल मिल गई। अब एक यहाँ पर जो हमने लॉस निकाला हुआ है, तो लॉस इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम यहाँ लिख देंगे टू रिवेल्युएशन अकाउंट, तो रिवेल्युएशन अकाउंट से आ रहा है लॉस कितना कितना आ रहा है, 9,600 रुपीज वो हो रहा है ए को मिल रहा है, एंड 5,760 किसको मिल रहा है, बी को, एंड 3,840 किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है सी को। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब हमारे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो क्या रहा, वो रहा गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि गुडविल कितनी है, 50,000 रुपीज है वो उसके खाते में क्रेडिट होगी। तो गुडविल किस में मिलती है, गुडविल मिलती है आपको पता है गेनिंग रेशियो में, तो हमारे को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हम निकालते हैं एक बी का एक सी का, तो न्यू शेयर यहाँ लिखा है बराबर बांटेंगे ना, तो न्यू शेयर हो गया 1/2, इसका भी कितना हो गया 1/2, और ओल्ड शेयर कितना है 3/10, बी का और सी का कितना है 2/10। तो जब हमें निकाल सी लेंगे 2 और 10 का, तो 10 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 1 से तो 5, और 10 को 10 से तो 1, 1 को 3 से तो 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2/10। और दूसरे का यहाँ पर 10 आ गया एलसीएम, तो 10 को 2 से करेंगे तो 5, 5 1 5, और 10 को 10 से तो 1, 1 को 2 से तो 2, तो यहाँ हो गया 3/10। तो इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:3, मतलब बी का 2 और इसका इतना। अब हम निकालते हैं कि बी कितना देगा और सी कितना देगा 50,000 रुपीज में से, तो 50,000 एंड 50,000 रुपीज, तो बी देगा 2/5 और ये कितना देगा 3/5, तो 5 से 5 कट हो गया 1, 5 से 5 कट हो गया 1, तो 10,000 को 2 से तो 20,000, और 10,000 को 3 से तो 30,000 रुपीज देगा। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री आपको बताई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन कौन बच रही है, एक बच रहा है बी इसका कैपिटल अकाउंट, और एक सी का कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट डेबिट, और टू क्रेडिट किसका हो रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या बताया था, क्रेडिट होगा, तो ए के कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा 50,000। तो कैसे कैसे क्रेडिट होगा, बी से कितना लिया उसने 20,000, और सी से कितना लिया 30,000 रुपीज लिया। अब हम इनको एडजस्ट कर देते हैं, तो ए के कैपिटल में 50,000 हो जाएगा जमा, तो कैसे कैसे जमा हुआ, वो हुआ बाय बी की कैपिटल का, उसको मिला 20,000 रुपीज, और बाय जो सी की कैपिटल का है वो मिल गया उसको 30,000 रुपीज, और 50,000 हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हम इनके कैपिटल अकाउंट को भी क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है, तो इन्होंने किसको दिया है, ए को, तो हम यहाँ लिख देंगे टू एज कैपिटल, एज कैपिटल। तो अब बी मतलब जैसे बी ने कितना दिया है 20,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपीज, और सी की कितने से डेबिट हो जाएगी कैपिटल 30,000 रुपीज की। तो हमने ये कर लिया, हमारा कैपिटल अकाउंट क्या है, बन गया। अभी हम ऐसा करते हैं इसकी बैलेंसिंग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो बैलेंसिंग निकालते हैं, टोटल कर लेते हैं पहले, तो 0,000, 4 और 2 6 और 3 9, 2,90,000, और यहाँ हो गया 1,75,000, और यहाँ हो गया 1,25,000, और यहाँ हम कर देंगे ऊपर टू बैलेंस कैरी डाउन, तो कितना बैलेंस बचेगा, तो हम यहाँ यहाँ मैं लेस कर देता हूँ इनको, तो यहाँ लेस होगा 59,600 रुपीज़, 0,0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पर 2,30,400। तो 2,30,400 जो है ये है ए का कैपिटल अकाउंट जो बचा, यहाँ पर भी हम टोटल कर लेते हैं इनका, ये हो गया 2,90,000 रुपया, और इनका बनेगा 1,75,000, और इनका बनेगा, ये हम बैलेंसिंग निकाल रहे हैं, 1,25,000। तो इसका जो बैलेंस है वो बच गया 2,30,000। अब इसका भी निकालते हैं, यहाँ कर देते हैं इनको लेस, तो 1,75,000 में से हो जाएगा लेस 55,760,
55,760 हो जाएगा लेस, तो जीरो, 10 में से 6 गया, यहाँ हो गया 4, और यहाँ पर 9 में से 7 गया, हो गया 2, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर जो है 6 में से 5 गया तो 1, तो 1,19,240, तो 1,19,240 ये आपका गया बी का। अब सी का लेस हो जाएगा 53,840, तो 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर बचे हैं 12 में से 5 गया तो 7, तो ये बन गया हमारे पास 71,160 रुपया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बैलेंसिंग निकाल ली, हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो गया कंप्लीट। अब हमने एडजस्ट करना है, अब जो लास्ट जो एंट्री है कैपिटल के एडजस्टमेंट, उसको हम अब एडजस्ट करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट को जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो बैलेंस है उसको कर देते हैं ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ये हमारा हो गया क्लोज, अब हमने पेमेंट वगैरह करनी है, कैपिटल करनी, तो यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ब्रॉट डाउन लाया इसका कितना है 2,30,400 रुपया, और इसका कितना बचा हुआ है 1,19,240 रुपया, और इसका कितना है 71,160 रुपया। अब क्या बोला हुआ है कि इसको हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम इन्वेस्ट ही रखेंगे, तो कितना कितना अमाउंट है, ए का कितना बना है 2, अब हम यहां लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल की हमने कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले जो ए की कैपिटल है वो कितनी है 2,30,400 रुपया ये दी हुई है। अब ए का लोन कितना है जो हमारे को बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो भी चुका देना है 10,000 रुपीज का। अब जो हमारे पास बी है, बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, बी की कैपिटल है 1,19,240 ये बी की है, और सी की कितनी है जो हमने यहां पर लिखी, सी की जो कैपिटल है वो है 71,160 रुपया हमने लिख ली, तो हमने एक ये एक ए वाली पेमेंट करनी है और एक ये हमारे पास है, इसके साथ साथ हमारे को बोले कि बैंक का बैलेंस कितना होगा 10,000 रुपीज, तो बैंक में हमारे को पैसा चाहिए 10,000 रुपीज ये चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ बैलेंस शीट में लिख देते हैं बैंक, ये पहले से ही को कितना चाहिए हमारे को 10,000 रुपीज। अब हम टोटल करते हैं कि हमारा कितना हुआ, ये 0, 6 और 4 हो गया 10, 4 और 2 6, 7 और 1 हो गया 8, और 9 और 1 हो गया 10, और 3 और 4 तक 5, 7, 5, 12, 13 और 1 हो गया 14, और 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, तो 4,40,800 रुपया जो है ये बना। लेकिन हम किसका यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक का था, तो बैलेंस शीट में बैंक का पहले कितना था जो मैंने आपको बताया था 59,000 रुपीज, तो 59,000 रुपीज को क्या कर देंगे हम लेस, तो 0, 0 यहाँ 8, और यहाँ पर जो है 10, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर हो रह गया आपके 13, तो 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ हो गया आपके पास 3, तो 3,00,000 जो है 81,800 ये हमने कैपिटल क्या कर दी, ये इनकी कैलकुलेट कर ली। अब इस कैपिटल को भी क्या करेंगे बराबर, तो बराबर करेंगे तो हम इसको ऐसा करते हैं 2 में 2 से डिवाइड कर देते हैं और बी और सी की, तो 19,09,18 1,90,900 और 1,90,000 क्या होगी 900, ये इनकी कैपिटल जो है ये बन गई। कैसे बनी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की बराबर है। अब हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले पेमेंट कर देते हैं, किसको करते हैं पेमेंट, ए को, तो हम यहां लिखेंगे 2 कैश, ये पेमेंट कर दी, पेमेंट कितनी कर दी 2,30,400 ए की, तो ए का जो है अकाउंट हो गया क्लोज 2,30,400 और 2,30,400। अब हम देखेंगे इनको कितने की जरूरत है, तो सबसे पहले हम यहां कर देंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कर देंगे कैरी डाउन, जितना इनका आएगा इसका कितना आएगा 1,90,900,
इसका भी कितना आएगा, 1,90,900। अब हम ऐसा करते हैं कि यहां लिख देते हैं 1,90,900 और 1,90,900, और यहां भी लिख देते हैं 1,90,900 और 1,90,900। अब जो होगा यहां पर, अब हम लिख देंगे बाय कैश, उतना कैश इनको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो हम यहां कर देते हैं लेस, इसका है 1,19,240। तो 0, 10 में से 4 गया 6, और यहां पर है हमारे पास बच गए 8, 8 में से 2 गया 6, और यहां पर 10 में से 9 गया 1, और यहां पर बचे 8, 8 में से गया 7। तो ये जो है ये लाएगा कैश 71,660 रुपीज, और दूसरा कितना लाएगा, हम लेस करते हैं 71,160। तो 0, 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 1 गया हो गया आपके 7, और यहाँ पर 10 में से 1 गया हो गया आपके 9, और यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, 1,19,740। 1,19,700 टोटल कर लेते हैं, 6, 4, 10, 7 और 8 और 1 9, 9 और 1 10, 7 और 8 और 1 9, 9 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये बना लिया। अब हम बनाएंगे इनकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो है सबसे पहले हम चल पड़ते हैं लाइबिलिटी साइड में, तो हमारे को दिए हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, तो जो चेंज नहीं हुआ है हमने उनको एज इट इज रहने देना है। तो 60,000 रुपीज के, तो 60,000 हमने ये कर लिए। इसके बाद जो है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 75,000 का हम जैसा है वैसा ही क्या करेंगे, ये लिख देंगे। इसके बाद लोन हमने जैसे जो है पेमेंट कर दी है लोन की। इसके बाद जो है अब कैपिटल बची हुई है आपकी एक बी की एक सी की, तो ये जो है 1,90,900 और 1,90,900, जब इनका टोटल करेंगे तो हमारे को कितना दिया है, ये 3,81,800 रुपीज की क्या हो जाएगी इनकी कैपिटल, और ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। और इस तरफ भी हमने फर्नीचर लिख दिया, स्टॉक को लिख दिया, डेटर्स लिख दिए, और इन्वेस्टमेंट्स लिख दिए, और बैंक भी लिख दिया। हम इनका टोटल करते हैं, तो 0, 0, 8 और 5 और 1 6, 8, 7, 15, 15 और 6 हो गया 21, 3 और 2 5, तो 5,16,800। और इस तरफ टोटल करते हैं, 0, 0, 5 और 3 8, और 3 और 1 4, और 5 6, और 9, 5, 14, 15, 15, 5, 20 और 21, 1, 2, 4, 5, तो 5,16,800 और 5,16,800। तो ये हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया, कंप्लीट। तो आपको बता दी आज कैपिटल की एडजस्टमेंट, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।